राज्य चूंटणी पंच द्वारा ग्राम पंचायतोनी सामान्य अने पेटा चूंटणीनो कार्यक्रम जाहेर करवामां आव्यो छे। वडोदरा जिल्लामां 289 ग्राम पंचायतोमां सरपंच सहित 2430 वोर्डनी सामान्य अने 40 ग्राम पंचायतोनी पेटा चूंटणी आगामी तारीख 19 डिसेम्बर 2021 रोज योजानार छे, जेने लई जिल्ला चूंटणी तंत्र द्वारा ग्राम पंचायतोनी चूंटणी अंगेनी तड़ामार तैयारीओ करवामां आवी छे। वडोदरा जिल्लामां ग्राम पंचायतनी सामान्य चूंटणी 611 मतदान मथको पर 2,33,215 पुरुष अने 2,18,956 स्त्री मतदारों सहित कुल 4,52,171 मतदारों पोताना मताधिकारनो उपयोग करशे। वडोदरा जिल्लामां ग्राम पंचायतोनी चूंटणी कामगीरी माटे 72 चूंटणी अधिकारी, 72 मददनीश चूंटणी अधिकारी, 3,666 पोलिंग स्टाफ अने कायदो तथा व्यवस्था जाळवा माटे 1,222 पोलिस स्टाफनी निमणूक करवामां आवी छे। वडोदरा जिल्लामां 8 वोर्ड धरावती 244, 10 वोर्ड धरावती 34, 12 वोर्ड धरावती 9, જ્યારે 14 અને 16 વોર્ડ ધરાવતી એક એક ગ્રામ પંચાયત છે। ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 8 કરોડિયા જ્યાં સે આયે વાલા રેસિડેન્સી કરકે ઓર એક મેયર કા વોર્ડ હે और वहाँ पे हमें इतनी सारी तकलीफ हो रही है ड्रेनेज के पानी के लिए कि पिछले 6 महीने से हम परेशान हैं। और यहाँ पे आके हमने अर्जी भी बहुत बार की है कि हमारा ये जो ड्रेनेज का रिजल्ट है हमें दे दो, ताकि क्या है कि दूसरे लोगों को, हमारे पड़ोसी लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे जो बिल्डर है उन्होंने तो यहाँ पे खाड़को बना के हमें दे दिया, लेकिन उसके बाद कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारे पड़ोसी गाँव वाले हमारे ड्रेनेज का जो भी पानी है रोड पे जाता है तो सब लोग परेशान है। और अभी हम वार्ड नंबर 10 में आए जो कि एप्लीकेशन देने के, हमारा ये जो ड्रेनेज का पानी का रिजल्ट है वो हमें आप कंप्लीट करके दे दीजिए, यही हमारी विनंती है आपसे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अमित पटेल। आपणे आप सब जाणो छो कि आगामी ग्राम पंचायत चूंटणीओनुं आखुं जाहेरनामुं बहार पाडवामां आवेल छे, जेमां कुल 8 तालुकानी आपणे त्यां 289 ग्राम पंचायतोमां सामान्य चूंटणी अने अन्य 40 पंचायतोमां वोर्ड अथवा तो सरपंचनी पेटा चूंटणी छे, एटले कुल 329 पंचायतो छे। त्यारबाद એમાં આપણે કુલ 4,66,000 આપણા મતદારોનો સમાવેશ થાય છે અને 590 મતદાન મથકો છે। આ વખતે ખાસ તો એક એ સૂચન છે કે મત જે આપણું બેલેટ ઈવીએમનો ઉપયોગ નથી થવાનો અને મતપેટીનો ઉપયોગ થવાનો છે, તો આપણે ત્યાં પૂરતી સંખ્યામાં મતપેટીઓ આપણે ચકાસણી કરીને તૈયાર રાખેલી છે અને 10% રિઝર્વ પ્રમાણે પણ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે। તો ખાસ તો મતદારોને એ જ સૂચન છે કે ભાઈ આપણે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની જે સિસ્ટમ છે એ દરેક એને મજબૂત બનાવવા દરેક મતદાર છે એ આગળ આવીને એમાં મતદાન કરે। રિપોર્ટર મહેન્દ્ર સોલંકી, વડોદરા।